नागपुर महानगर पालिका की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया था। इसका एक कार्यक्रम आज शहर के कस्तूरचंद पार्क पर आयोजित किया गया था। नागपुर नगर पालिका की ओर से महात्मा गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी उपस्थित हुए थे। कार्यक्रम में महानगर पालिका द्वारा चलाए गए चित्रफित दिखाई गई, साथ ही स्वच्छता अभियान में नितिन गडकरी ने भी सहभाग किया। कार्यक्रम के बाद बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे देश में स्वच्छता अभियान महत्वपूर्ण है, साथ ही उन्होंने नागपुर महानगर पालिका के स्वच्छता अभियान की सराहना भी की। देखो, हमारे देश में सर्वसामान्य व्यक्ति का जीवन सस्टेनेबल करने में स्वच्छता अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर ये स्वच्छता अभियान इसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से अगर मुक्ति मिलेगी तो हमारे 60-70% लोगों को डॉक्टर के पास जाके दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और उसके साथ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को न यूज़ करते हुए किया हुआ हमारा अनाज, सब्जियां, हमारा जीवन बदल सकता है। और इसीलिए गांधी जी ने स्वच्छता अभियान हमको दिया, मोदी जी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत की है, अब लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है और हमारी महानगर पालिका में इसमें अच्छा काम हुआ है। हम टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ साल के कमा रहे हैं। अभी नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी लाकर हमारा यहाँ लगभग काम शुरू हो गया। 6 महीने में 28 टन बायो CNG तैयार होगा। जो प्लास्टिक है उसको आज रिसाइकलिंग के लिए महिला बचत गट के द्वारा लेकर हम दे रहे हैं, तो एक प्रकार से कन्वर्शन ऑफ वेस्ट टू वेल्थ, ये भी बात यशस्वी रूप से महापालिका की तरफ से हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि जनता ने इस अभियान में अगर सहयोग किया तो जल्दी ही स्वच्छता का सपना पूरा होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।